नमस्कार, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई वेट लॉस के जो टिप्स हैं वो कौन कौन से हैं, वेट को जो है कम करने के लिए हम वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसको करने से जो है हमारा वेट जो है घटने के बजाय जो है वो वेट हमारा बढ़ता जाता है। हाँ, अगर आपको वेट लॉस के बारे में और भी कुछ जानना है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप उनको जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जो गलतियाँ लोग करते हैं, वेट लॉस उनको करना होता है, वेट लॉस उनका एम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना एम जो है अचीव करने में गड़बड़ा जाते हैं, उनका जो ध्येय होता है वो उन्हें नहीं मिलता है। तो वो ध्येय उनको क्यों नहीं मिलता है, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस भी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत से लोगों में ये एक गलत धारणा होती है कि मैं अगर खाली पेट रहूँगा तो जो है मेरा वेट लॉस हो जाएगा। मतलब कि ज़्यादा देर तक आप भूखे पेट रहते हो, ऐसा करना बहुत गलत बात है कि भाई अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए जो है आपको खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप जो है खाली पेट रहना स्टार्ट करते हो, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। सोचते हो आप लोगों की ये धारणा होती है कि भाई अगर मैं कम खाना खाऊंगा तो जो है मेरा वेट कम जल्दी लॉस हो जाएगा, मेरी जो है चर्बी जल्दी घट जाएगी, तो ये जो है गलत बात है। इसके वजह से जो है आपके शरीर में एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट होती है। जब भी आप ज़्यादा देर तक भूखे रहना स्टार्ट करते हो तो ऐसे में जो है आपके जो शरीर में जो है जो एंजाइम्स बनना स्टार्ट होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाते हैं। जब भी आपको भूख लगती है और उस टाइम पे आप जो है शरीर को खाना नहीं देते हो, ऐसे में जो है एसिड की मात्रा बढ़ती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो भाई एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है वो अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो एसिड रिफ्लेक्स की समस्या बन सकती है, आपका पेट फूलना शुरू हो सकता है, आपके पेट में गैस बन सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वीकनेस फील हो सकता है। तो ये जो गलती है कि भाई ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई फलों का जूस लेने से जो है वेट लॉस होगा, वेट लॉस होता है, लेकिन जो है बहुत से रिसर्च में भी ये पता चला है कि भाई जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की समस्या है या जिन लोगों को भी शुगर की समस्या है वो लोग जो है जूस नहीं पी सकते। अगर वो कहीं ना कहीं जूस पीते हैं तो उनको जो है टाइप 2 का जो डायबिटीज़ होता है उसमें भी उनको दिक्कत हो सकती है। तो बात करेंगे कि भाई फल जो लेते हैं, फल जो हम खाते तो उसके कारण जो है हमारे शरीर में जो खून में जो शक्कर की जो मात्रा है उसको भी कम किया जा सकता है, साथ ही साथ टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है उसको भी जो है नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई लोग जो है वेट लॉस करना है तो खाना छोड़ देते हैं, साथ ही साथ कोई लोगों को कहा जाए कि भाई आप खाना टाइम पे खाओ तो वो खाने पे टूट पड़ते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ज़्यादा खाने से जो है आपको बचना है, भूखे पेट भी आपको जो है नहीं रहना है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई भूखा भी नहीं रहना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, तो वेट लॉस कैसे होगा। शरीर हमारा जो है एक पर्याप्त मात्रा में अन्न को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन क्या है कभी कभी हम जो है इसकी सुनते हैं और कहीं ना कहीं जो है हम जो है जितना खाना है उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने से क्या होता है, पाचन ठीक से नहीं होगा, गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत कुछ समस्या होगी, बाद में पेट में दर्द होना, अफारा होना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बहुत तरह की जो बीमारियां आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने जो है हद से ज़्यादा खा लिया, आपका पाचन ठीक से नहीं हुआ। इस बात के ओर पर आपको ज़रूर ध्यान देना है कि भाई वेट लॉस करना है, खाना भी पर्याप्त मात्रा में लेना है, ज़्यादा देर भूखा भी नहीं रहना है, और फल जो है उसको जूस नहीं बल्कि सीधे जो फल मिलते हैं उनका सेवन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई वेट लॉस करना है मतलब सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा सा कहीं चिप्स मिल जाए, थोड़ा सा पिज्ज़ा का टुकड़ा खा लिया, थोड़ा सा बर्गर खा लिया तो हमारा जो है वेट लॉस जल्दी होगा। गलती कर रहे हो, जिस चीज़ में ज़्यादा फैट होगा वही आपकी चर्बी बढ़ाएगा, आपका वेट बढ़ाएगा, और ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हो जैसे चिप्स है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, हॉट डॉग है, पता नहीं कितने सारे डॉग होते हैं, वो सब आप खाते हो और आपको जो है वेट लॉस करना है तो ऐसा नहीं होगा। जो बाहरी चीज़ें हैं, फैट की मात्रा जिनमें ज़्यादा है उनको अवॉइड करना सीख लो तो जाके आपका
वेट लॉस जो है वो जरूर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक रिसर्च में यह बात साबित हुई है कि जिस भी भोजन में ज्यादा मात्रा में दालचीनी इस्तेमाल की गई है खून होता है उसमें जो शुगर लेवल होता है उसको डाउन करने का काम जो है दालचीनी करती है। तो जो है हमें जो ज्यादा खाने की जो एक इच्छा होती है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की जो ताकत है वो इस दालचीनी में। आपने सोचा है कि मुझे वेट लॉस करना है तो भाई जो है आप जो है दालचीनी का सेवन करें। और सबसे एंड में एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत बेनिफिशियल है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका वजन बढ़ाएगी भी और ठीक तरह से यूज़ किया तो आप इसका वजन घटाएगी भी आपका वजन। तो बात करेंगे उस चीज़ की, तो भाई ये चीज़ है अश्वगंधा। आप अश्वगंधा तो जानते होंगे, इसके जो रूट का पाउडर मिलता है उसको अगर आप दूध के साथ सेवन करते हो तो ये जिन लोगों का भी वजन कम है उसको बढ़ाने का काम करेगी, और जिन लोगों को भी वजन घटाना है वो लोग जो है अश्वगंधा चूर्ण का जो रूट चूर्ण होता है उसका यूज ना करें। अश्वगंधा के जो पत्ते मिलते हैं उसका पाउडर मिलता है बना बनाया, वो पाउडर का अगर आप सेवन करते हो तो जो है आपका वेट बढ़ने के बजाय घटने लगे। ये बात 100% सच है कि भाई अश्वगंधा के जो पत्ते सेवन अगर आप करते हो तो आपका वेट गिरेगा, आपका वेट बढ़ेगा नहीं। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। आप चाहे तो इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी ज़रूर बजाइए। और बात करेंगे कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।